Very good evening to all of you, my dear students of class first. Welcome you all in my YouTube channel with the name of Priyanka Kala. Dear students, in my last video, I taught you about the poem "A Kite." Dear students, today we are going to learn new chapter, and the name of the chapter is Sundari. Dear students, Sundari was a big Colorful kite. And this kite was made by a very cute boy. The name of the boy was Bobby. Kite was very happy because Bobby made this kite Sundari with various beautiful colors. That's why. बॉबी कॉल्ड थिस काइट सुंदरी सुंदरी मींस ब्यूटीफुल सुंदरी एक काइट थी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी क्योंकि उसे एक लड़के ने बनाया था बॉबी ने और बॉबी ने उस काइट को बहुत ही अलग-अलग प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कलर से बनाया था इसलिए उसने अपनी काइट का नाम रखा था सुंदरी एक fair में गया।, एक मेले में गया मेला जिसके बारे में आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं यू कैन सी वेरिया इन अ फेयर है, है न आप बहुत सारे झूले उसमें देखते हैं और आप उसमें क्या देखते हैं बेटा आप देखते हैं वेरियस स्टॉल्स देखते हैं बहुत सारे स्टॉल्स उसमें होते हैं जैसे कि आपके गेमिंग स्टॉल्स होते हैं है ना खाने के स्टॉल्स होते हैं ड्रेसेस के बहुत अलग अलग स्टॉल्स उसमें होते हैं तो वैसे ही वहाँ पर एक फेयर था बट बॉबी क्या करना चाह रहा था बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई काइट सुंदरी बॉबी एक बड़े ओपन सा स्पेस ढूंढना चाह रहा था जहां पर वो काइट को को उड़ा सके और जल्दी ही बॉबी बॉबी ऐसा स्पेस मिल भी जाता है। सुंदरी कुड़ नॉट गो वेरी हाई व्हाई जो बॉबी होता है वो उसको उड़ाने की पूरी कोशिश करता है ग्रास के ऊपर दौड़ता है पर वो ज्यादा ऊपर तक नहीं दौड़ पाती और उसका रीजन क्या होता है उसका रीजन होता है अ लिटिल डॉग वाज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल इट वाज इन हिज माउथ बॉबी शूट द डॉग अवे एंड अगेन ट्राइड दिस टाइम सुंदरी लीव्ड अप इन द एयर बॉबिनस डॉगी को भगा देता है जिसने जो काइट थी उसकी टेल अपने माउथ में पकड़ी थी जिस कारण वो काइट उड़ नहीं पा रही थी बॉबी ने उस डॉगी को भगा दिया फिर से ट्राई किया तो काइट अच्छे तरीके से हवा में उड़ जाती है और कैसे उड़ती है शी फ्लो अप 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 इन द एयर तो कैसे लगी बच्चों स्टोरी इन इंटरेस्टिंग चलिए नाउ दिस इज द टाइम टू डू सम एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट थिंग इज न्यूवर्ड्स आपको सबसे पहले न्यू वर्ड्स लिखने या आपको देख रहे होंगे न्यू वर्ड्स यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ब्यूटिफुल नेक्स्ट वन इज बी एन डी बैंड ब्यूटिफुल बैंड नेक्स्ट इज ओ पीईन ओपन डब्ल्यू आई एन डी विंड टी ए आई एल टेल मतलब पूछ टी यूजी टग एफ ए आई आर फेयर डब्ल्यू डबल ओ डी ए स्पेस यानी कि जगह एल ई एप्ड मतलब तालाबाजिया खाना ऊपर नीचे ऊपर नीचे है ना एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग स्ट्रिंग मतलब रस्सी तो ये है बेटा न्यू वर्ड्स और न्यू वर्ड्स का मतलब आपको पहले मैंने बताया हुआ है न्यू वर्ड्स का मतलब क्या होता है वर्ड्स मतलब आपको इन वर्ड्स का प्रोनाशिएशन अच्छे से मालूम होना चाहिए नेक्स्ट थिंग जो सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी वो है लर्न दीज डूइंग वर्ड्स लर्न दीज डूइंग वर्ड्स यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं बेटा एक्शन वर्ड्स क्या कहते हैं इन्हें हम एक्शन वर्ड्स अब एक्शन वर्ड्स यानी कि जब एक्शन हो रहा होता है तो पहला है प्लेइंग कैरिंग राइटिंग कुकिंग वाचरिंग स्माइलिंग इस तरह से आप इन सभी एक्शन वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिख लेंगे है ना और इनका मीनिंग भी समझेंगे नेक्स्ट थिंग इज ड्रॉ काइट यूजिंग वाइट ब्लू एंड रेड कलर आपको रेड वाइट और ब्लू कलर का यूज करते हुए बनानी है एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी काइट नेक्स्ट थिंग इसमें आती है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स

बॉबी ने ही तो सुंदरी को बनाया था तो आंसर आएगा बॉबी मेड सुंदरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेल्ड सुंदरीज टेल सुंदरी की पूंछ किसने पकड़ी थी बताइए उसकी टेल किसने पकड़ी थी एक छोटे सी डॉगी ने पकड़ी थी और छोटे सी डॉगी को कहते हैं लिटिल डॉग तो आपका आंसर आएगा अ लिटिल डॉग होल्डिंग ऑन सुंदरीज टेल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी बॉबी ने अपनी काइट को सुंदरी क्यों बोला था बताइए बॉबी ने अपनी काइट को सुंदरी क्यों कहा था वॉज ब्यूटिफुल क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी नेक्स्ट बेटा आप लोगों के लिए इसमें ऑपोजिट्स तो ऑपोजिट्स यानी कि जो मीनिंग में एक दूसरे के होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे एक दूसरे के विपरीत है ना तो पहला है पुअर पुअर मतलब गरीब रिच मतलब अमीर फुल मतलब भरा हुआ ए, वाई, मतलब खाली ए डी डी एड मतलब जोड़ना आर ई एम ओ वी रिमूव मतलब हटा देना सी एल ई एन क्लीन मतलब साफ डी आई आर टी वाई डर्टी डर्टी मीन गंदा आर आई जी एस टी राइट मतलब सही डब्ल्यू आर ओ एन जी रॉन्ग मतलब गलत एम ए एन वाई मैनी मतलब काउंटिंग से होता है ज्यादा और एफ ई डब्ल्यू फ्यू फ्यू मींस कम ओ पीई एन ओपन मतलब खोलना या खुला हुआ सी एल ओ क्लोज मतलब बंद एच ए आर डी मतलब सख्त यानी कि कठोर इजी इजी मतलब सरल नेक्स्ट डे डे का पोजिट नाइट दिन रात बिग बड़ा स्मॉल छोटा डब्ल्यू ई ए के वीक मतलब कमजोर एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर यस मतलब सही यस मतलब हाँ नो मतलब नहीं पी आर ओ एफ आई टी प्रॉफिट मतलब फायदा एल ओ डबल एस लॉस मतलब हानि यानी कि नुकसान HIGH हाई मतलब ऊंचा LOW लो मींस नीचा BEAUTIFUL यानी कि सुंदर BEAUTIFUL का ऑपोजिट अगली UGLY अगली अगली मतलब कुरूप यानी कि असुंदर जो कि सुंदर नहीं होता LAST है T R U E ट्रू मतलब सच -E, FALSE फॉल्स मतलब झूठ तो ये है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज तो बेटा आपके लिए सारी एक्सरसाइज है आपको इन सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि पहले न्यू वर्ड्स फिर एक्शन वर्ड्स फिर आपको एक काइट बनाने की एक्टिविटी है और फिर आएंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स और लास्ट में ऑपोजिट्स तो आज के लिए इतना ही थैंक यू बेटा थैंक यू एवरी वन बाय बाय